मामा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। गीत के बोल खड़वा कलेक्टर कार्यालय परिसर में पिछले दो दिनों से गूंज रहे हैं। दरअसल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गीतों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना वादा याद दिला रही है। गौरतलब है कि पिछले चुनावों में शिवराज सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में कुछ वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए। यही वजह है कि वर्ष 2024 के चुनावों के पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी से संचालित होने वाली सरकारी योजनाएं ठप पड़ी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अध्यक्ष अनिता कुल्हारे ने बताया कि हमारी 11 सूत्री मांगे हैं जो प्रदेश स्तर पर रखी गई है। अभी तक मुख्यमंत्री ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, इसीलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समर्थन नहीं देगी। और ये 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक की 6 दिवसीय आंदोलन रखा गया है और पूरे 52 जिलों में चल रहा है ये, क्योंकि चरणबद्ध आंदोलन जब से चालू हुआ है हमने लगातार शिवराज मामा को शिवराज मुख्यमंत्री को जो हमने जो दिया है तो लगभग हम ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ रहा है। क्या मांग थी उन्होंने पूरी नहीं की? और जो हमारी मुख्य मांग थी, ऐसी छोटी मोटी मांगे उन्होंने हमारी पूरी की, लेकिन जो मुख्य मांग थी हमारी कर्मचारी घोषित करें और सरकारी घोषित कर, कारण जो हमारे कार्यों को जो जितनी भी असुविधाएं पैदा हो रही तो शासकीय कर्मचारी होने के कारण वो उसमें मतलब सभी को लाभ मतलब मिले तथा वो अभी करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ये तालाबंदी की हड़ताल की है और पूरे प्रदेश स्तर में आंगनवाड़ियाँ पूरी बंद पड़ी हुई है। ना हमारे द्वारा खाना बट रहा है, ना ही नाश्ता बट रहा है, ना ही जो भी योजनाओं का जो लाभ हम दे रहे थे टीकाकरण वगैरह, तो कोई भी लाभ हम हमारी कार्यकर्ता बहना या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई भी नहीं दे रही।